दिवाली त्योहार बिल्कुल नजदीक आ चुका है। छोटे बड़े बाजार में भारी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। हर कोई खरीदारी में जुटा हुआ है, लेकिन दिल्ली के ड्राई फ्रूट्स की थोक मार्केट खारी बावली में अभी भी कोई खास रौनक नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर व्यापारी भी काफी चिंतित और मायूस हैं। इसके पीछे बड़ी वजह कोरोना संक्रमण और सुरसा की तरह बढ़ती महंगाई मानी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि दिवाली का त्यौहार बिल्कुल नजदीक आ चुका है, लेकिन अभी भी हम ग्राहकों के इंतजार कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स की मार्केट में रेट भी एक लंबे समय से स्थिर बने हुए हैं। बावजूद इसके खरीदारों की दिलचस्पी इसमें नहीं देखी जा रही है, लेकिन अभी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें तेजी आ सकती है। इस बीच देखा जाए तो हर साल दिवाली से पहले ही ड्राई फ्रूट्स की भारी डिमांड मार्केट में शुरू हो जाती है। ये आम दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है। इसके पीछे एक वजह यह होती है कि लोग अपने परिचितों, रिलेटिव्स और ऑफिसेज में ड्राई फ्रूट्स देना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद से लोगों की आर्थिक हालत जहां पहले खराब हो गई है, उसके साथ लगातार बढ़ रही महंगाई ने और कमर तोड़ कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।